सो टुडे आज हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की तो एज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इज अ क्रिटिकल मेजर दैट हेल्प्स टू को रिलेट वेलबींग एंड सोशल स्टेटस इट इज बेसिकली स्ट्रांगेस्ट प्रोडिक्टर ऑफ हेल्थ डिजीज कॉजेशन एंड लॉन्गेटिविटी इन मेडिकल सोशोलॉजी और इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल डाइट हेल्थ न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड लाइफ स्टाइल देर आर टू थिंग्स एफोर्डेबिलिटी और यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज तो जित जितनी भी उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी होगी उसकी अफोर्डेबिलिटी भी उतनी अच्छी होगी वो यूटिलाइज भी उतना अच्छा करेगा हेल्थ सर्विसेज को सो एंड दीज ऑल आर अफेक्टिंग द हेल्थ कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फैमिली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेसिकली इज एन इम्पॉटेंट डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस एज वेल एज मॉर्बिडिटी एंड मोरटलिटी Low, as we know, low socioeconomic population present more commonly with communicable diseases and nutritional deficiency, while the high socioeconomic uh, population shows more of the obesity and non communicable diseases. Socioeconomic status of a family can be determined on the basis of education, occupation, and family income. नाउ स्केल्स ऑफ सोशो इकनॉमिक स्टेटस डिफरेंट सोशो इकनॉमिक स्टेटस स्केल्स जो हैं वो हमें uh, मिलते हैं स्केल्स बेसिकली द वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आर डिफरेंट रूरल और अर्बन एरियाज के लिए डिफरेंट होते हैं इसीलिए हम रूरल और अर्बन एरियाज के लिए सोशो अकनॉमिक स्टेटस मेजर करने के लिए जो स्केल्स यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होते हैं वाइडली जो इंडिया में एक्सेप्टेबल है वो है कुप्पू स्वामी स्केल बीजी प्रसाद स्केल एंड उदय स्केल उदय कुपुस्वामी कुप्पू स्वामी स्केल बेसिकली अर्बन एरियाज़ के लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है सेमी अर्बन के लिए और कहीं कहीं रूरल में भी यूज़ कर लेते हैं लेकिन पर्टिकुलरली बीजी प्रसाद जो है वो दोनों एरियाज़ के लिए होता है और उदय पारिक रूरल एरियाज़ के लिए यूज़ होता है एज दीज स्केल्स आर बेस्ड ऑन द इनकम डोमेन सो इट नीड्स टू बी रिवाइज रेगुलरली ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर तो एक इंडेक्स होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है बेसिकली ये एक मेजर होता है जो ये दिखाते हैं कि नेशनल लेवल पे इंफ्लेशन रिफ्लेशन क्या हो रहा है रिटेल इन्फ्लेशन क्या है न तो सी पी आई बेसिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले तो देखें कैसे हम इसको मेज़र करते हैं क्या होता है बेसिकली तो इसमें हम जो uh, हम चेंजेस देखते हैं कि जो uh, एक एक आम वर्कर है एक आम आदमी है मिडिल क्लास मैन है कि जो वो सामान ले रहा है किस प्राइस पे ले रहा है और लास्ट ईयर इसी समय वही चीज़ें किस प्राइस पे थी तो उसमें कितना इन्फ्लेशन हुआ है डिफ़्लेशन हुआ है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है तो वो जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके बेसिस पे हम आ, जो इकोनॉमिक स्केल्स में हम इनकम डोमेन लेके चलते हैं उससे ही वो अफेक्टेड होता है लिमिटेशंस क्या हैं बेसिकली जितने भी ये स्केल्स हैं इसमें लिमिटेशंस क्या हैं बेसिकली जैसे हम फैमिली इनकम लेके चलते हैं तो हम ये जनरली नहीं देखते हैं कि जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है ठीक है तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है सोशलो इकोनॉमिक स्टेटस पे जो जॉइंट फैमिली होती है उनकी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इनकम होती है ज़्यादा मेंबर्स होते हैं अर्न करने के लिए है ना दूसरा क्या लिमिटेशन है इसमें हम जब ऑक्यूपेशन वाले सेक्शन में जाते हैं स्कोरिंग के लिए तो उसमें कहीं भी रिटायर्ड पर्सन या होम मेकर हाउस वाइफ जो होती हैं उनका कहीं भी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है है ना अगर हेड ऑफ़ फैमिली रिटायर्ड पर्सन है या होम मेकर है तो उसको कैटेगराइज करने में बड़ी दिक्कत आती है बहुत साइबर टेरसी उदय पारे की स्केल जो है उसमें कोई भी हम इनकम डोमेन लेके नहीं चलते हैं जो बेसिकली बहुत क्रूशियल है किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए और क्या लिमिटेशन हैं स्केल्स में इनकम रेंज जो है वो बेसिकली कंज्यूमर सी पी आई आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इंडस्ट्रियल वर्कर को लेके चलते हैं लेकिन क्या होता है एग्रीकल्चरल लेबर्स के हिसाब से भी सीपीआई पी की गई है तो इंडस्ट्रियल वर्कर वैसे बेसिकली क्यों लिया जाता है क्योंकि हम एक एवरेज मिडिल क्लास वर्किंग जो वर्किंग uh, पॉपुलेशन है उसको ले चलते हैं है ना लेकिन कहीं कहीं नहीं होती वर्किंग पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चरल लेबर्स भी होते हैं तो उसका कहीं पे भी कोई भी इसमें हम इंक्लूज़न नहीं रखते हैं तो ये एक लिमिटेशन है एंड द स्केल इज़ नॉट वेल एप्लीकेबल इन बोथ रूरल एंड अर्बन कॉन्टेक्स्ट जैसे कि कुप्पूस्वामी स्केल हम कर लेते हैं कहीं कहीं पर रूरल पे यूज़ लेकिन बेसिकली इसको अर्बन एंड सेवी अर्बन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है इन कंट्रास्ट जो बीजे प्रसाद स्केल है जो दोनों में हम एप्लीकेबल करते हैं लेकिन इसमें हम इनकम सिर्फ और सिर्फ इनकम ले चलते हैं जबकि रूरल एरियाज़ में सोशो इकनॉमिक स्टेटस के लिए और भी बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जैसे कितनी लैंड है कितना उसका कितना कैटल है उसके पास क्या मटेरियल यूज़ होता है है ना एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है तो उसको एक हम उस वे में लेके नहीं चलते हैं अब हम आते हैं सबसे पहले कुप्पोस्वामी स्केल पे कु्पस्वामी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल बेसिकली इसको मॉडिफाइड कहते हैं मॉडिफाइड क्यों कहते हैं ये एक तो सबसे पहले ये अर्बन कम्युनिटीज़ के लिए बेसिकली था और इनिशियली 1976 में जब इसको डिवाइज किया था स्केल को कुपोस्वामी स्केल को तो ये इंडिविजुअल की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखने के लिए था लेकिन अब इसको मॉडिफाइड कर दिया फैमिलीज़ की सोशियो इकोनॉमिक स्केल स्टेटस को कैलकुलेट करने के लिए इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं इसमें एजुकेशन ऑक्यूपेशन एंड इनकम तो एजुकेशन और अक्यूपेशन होती है वो फैमिली हेड की होती है ठीक है हेड ऑफ़ फैमिली की होती है और जो इनकम जो होती है वो फैमिली की टोटल इनकम हम लेके चलते हैं ठीक है हेड ऑफ़ फैमिली आप किसको डिफाइन करते हो हेड ऑफ़ फैमिली बेसिकली वो नहीं होता जो अर्निंग मेंबर होता हेड ऑफ़ फैमिली होता है फैमिली में जिसका डिसीजन चलता है जो डिसीजन जो देता है ठीक है वो हेड ऑफ़ फैमिली होती है ठीक है तो हेड ऑफ़ फैमिली की हम एजुकेशन देखते हैं मॉडिफाइड कुमी स्केल में और उसकी हम ऑक्यूपेशन देखते हैं ठीक है लेकिन जो इनकम होती है वो फैमिली की है ठीक है हेड ऑफ़ फैमिली एक है लेकिन अगर उसमें अर्न करने वाले दो तीन लोग हैं तो टोटल इनकम करके हम उसको फैमिली इनकम की तरह से काउंट करते हैं इसमें जो स्कोर हम अभी देखेंगे डिफरेंट स्कोर है उसमें हम जब हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैलकुलेट करते हैं तो इट रेंजेस फ्रॉम थ्री टू ट्वेंटी नाइन अब हम इसमें एजुकेशन में लेके चलें तो एजुकेशन में इस तरह से स्कोरिंग करते हैं उसकी हम प्रोफेशनल डिग्री देखते हैं हेड ऑफ़ फैमिली की ठीक है हेड ऑफ़ फैमिली की प्रोफेशनल डिग्री है तो सेवन स्कोर देते हैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो सिक्स देते हैं इंटरमीडिएट तो पोस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा है तो फाइव देते हैं हाई स्कूल सर्टिफिकेट कोर्स कुछ किया हुआ है तो फोर देते हैं मिडिल स्कूल दैट मीनस एट्थ है तो थर्ड थ्री स्कोर देते हैं प्राइमरी स्कूल तक एजुकेशन है तो टू देते हैं इलिटरेट है तो वन देते हैं ठीक है इसके बाद हम आ जाते हैं ऑक्यूपेशन पे तो ऑक्यूपेशन में भी टेन नाइन इस तरह से स्कोरिंग है जैसे लैजिस्टर सीनियर ऑफिसर ऑफिशियल या मैनेजर है हेड ऑफ फैमिली का ऑक्यूपेशन देख रहे हैं ना या प्रोफेशनल है टेक्नीशियन है, 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 है या एसोशिएट प्रोफेशनल है क्लर्क है स्किल्ड वर्कर है शॉप या मार्केट सेल वर्कर्स है स्किल्ड एग्रीकल्चर या फिशरी वर्कर है क्राफ्ट एंड रिलेटेड ट्रेड वर्कर है प्लांट एंड मशीन ऑपरेटर है असम्बलर्स है एलिमेंट्री ऑक्यूपेशन अगर है या अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम अनएम्प्लॉयड है तो उस हिसाब से हम उसकी स्कोरिंग करते हैं मंथली इनकम हम देखते हैं फैमिली की ठीक है जितने भी अर्न कर रहे हैं उस फैमिली मेंबर उन सबकी इनकम हम लेके चलते हैं तो ये अब अपडेटेड जो है वो 2024 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से है ना तो इसमें क्या है अगर फैमिली की मंथली इनकम वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड एंड वन सिक्सटी नाइन रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो हम स्कोर ट्वेल्व देते हैं इसी तरह डिफरेंट रेंज है जिसमें ये स्कोरिंग है जैसे सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी सेवन से वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी एट है तो टेन स्कोर दे देंगे तो ये डिफरेंट स्कोर है उसकी फैमिली इनकम के बेसिस पे ये रेगुलरली हमें अपडेट करना पड़ता है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे अब हम जितने भी हमारे एजुकेशन ऑक्यूपेशन और फैमिली इनकम है इसको ए बी सी को टोटल स्कोरिंग कर लेते हैं जो भी हमारा स्कोर आया है ठीक है तो इसमें हमारा अगर ट्वेंटी सिक्स से ट्वेंटी नाइन तक स्कोर है तो अपर क्लास हो गया ट्वेंट सिक्सटीन से ट्वेंटी फ़ाइव है तो अपर मिडिल हो गया एलेवन टू फिफ्टीन है तो लोअर मिडिल हो गया फाइव टू टेन है तो अपर लोअर हो गया एंड वन टू फोर अगर है तो लोअर क्लास हो गया है ना जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो अगर किसी पर्सन जो हेड ऑफ़ फैमिली है उसकी जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट है ठीक तो है तो उसका स्कोर फाइव हो गया उसका ऑक्यूपेशन क्लर्क है तो उसका सेवन हो गया तो फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व हो गया ठीक है और उसकी जो इनकम है वो फिफ्टी थाउजेंड वाली कैटेगरी में फ़िफ्टी थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी सिक्स तो सिक्स हो गया तो ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन तीनों हमने एटीन अब एटीन इसमें कहाँ पे आ रहा है इसमें आ रहा है सेकेंड नंबर पे सिक्सटीन टू ट्वेंटी फाइव टोटल स्क्वायर तो वो फैमिली जो होगी अपर मिडिल क्लास में उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हमने कैलकुलेट कर लिया दैट मींस सेकेंड कैटेगरी ठीक है नाउ कम्स टू द मॉडिफाइड बीजी प्रसाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अब ये भी मॉडिफाइड क्योंकि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे हम इसको मॉडिफाई करते रहते हैं इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इट इज़ बेस्ड ऑन पर कैपिटा मंथली इनकम तो हम इसमें क्या करते हैं टोटल फैमिली की इनकम लेते हैं और उसमें टोटल फैमिली मेम्बर्स से डिवाइड कर देते हैं कुप्पूस्वामी में हम क्या करते थे टोटल फैमिली इनकम ले लेते थे एजुकेशन हेड ऑफ़ फैमिली की ठीक है ऑक्यूपेशन हेड ऑफ़ फैमिली का उसमें कुपूस्वामी में और टोटल फैमिली इनकम लेके चलते थे अब इसमें हम बीजी प्रसाद में क्या कर रहे हैं इसमें हम फैमिली इनकम पर कैपिटा फैमिली इनकम लेके चल रहे हैं ठीक है थीके? इसका मतलब क्या है कि टोटल जितनी भी फैमिली इनकम है उसको हम टोटल फैमिली मेम्बर से डिवाइड कर देंगे चाहे वो फैमिली मेंबर न्यू बॉर्न है ठीक है अभी हुआ है एक दिन का दो दिन का बच्चा है ठीक है तो जो भी एज है जितने भी फैमिली मेंबर्स है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं इसमें हमने कैसे क्लासीफाई किया है इसमें भी ये देखो टू में इसको अपग्रेड किया गया है ठीक है तो इसमें हम अगर उसकी पर कैपिटा फ़ैमिली इनकम नाइन थाउजेंड नाइन नाइन्टी एट या उससे ज़्यादा है तो वो क्लास वन में आ गया ठीक है अगर फोर थाउजेंड फोर्टी नाइन से नाइन थाउजेंड नाइन्टी सेवन थे वो क्लास टू में आ गया तो इसी तरह इस रेंज के हिसाब से हम उसकी पर कैपिटा फैमिली इनकम देखते हुए ऐसे डिसाइड डिवाइड कर देते हैं ठीक है टोटल फैमिली इनकम डिवाइडेड बाई फैमिली मेम्बर्स ना उदयपारी क्लासिफिकेशन उदयपारी क्लासिफिकेशन बेसिकली रूरल एरियाज के लिए होता है इसमें नाइन करेक्टरिस्टिक्स हम लेके चलते हैं ठीक है नाइन करेक्टरिस्टिक में अलग अलग स्कोरिंग है क्या क्या होते हैं नाइन कैरेक्टरिस्टिक कास्ट ऑक्युपेशन ऑफ फैमिली हेड एजुकेशन ऑफ फैमिली हेड ठीक है ये हेड ऑफ फैमिली कह दो सोशल पार्टिसिपेशन ऑफ हेड ऑफ फैमिली फैमिली मेम्बर्स कितने हैं लैंड होल्डिंग कितनी है हाउस की हाउस में किस तरह का हाउस है ठीक है कैटेगराइज किया है फार्म की पावर फार्म पावर क्या है और मटीरियल क्या क्या पोजेसन ऑफ मटीरियल है ठीक है उसके बेसिस पे हम करते हैं तो अब इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट और उसके स्कोर देखते हैं अब जैसे कास्ट सबसे पहले तो उसमें शेड्यूल कास्ट है तो उसका स्कोर वन हो गया लोअर का टू हो गया आर्टिशियन का थ्री हो गया आर्टिशियन मतलब जैसे कोई भी जैसे कारपेंटर हो गए ठीक है मसोन्स हो गए ये सब आर्टिस्ट आर्टिशियन में आएंगे एग्रीकल्चर कास्ट है प्रेस्टीज कास्ट है प्रेस्टीज कास्ट मतलब कि जिस हम एरिया में कर रहे हैं वो मतलब प्रस्टीज उसका अपना वो एक मान के चलते हैं कि हम सुपीरियर हैं है न डोमिनेट कास्ट डोमिनेंट कास्ट मतलब जो नंबर में ज़्यादा है जैसे कि अगर फाइव थाउजेंड की पॉपुलेशन है उसमें थ्री थाउजेंड एक पर्टिकुलर कास्ट है तो वो डोमिनेंट कास्ट हो गई तो उसका ये होता है कि वही जैसे इलेक्शन में कोई हो रहा है तो वोट ज़्यादा मिलेगा उसकी एक अपने अलग से उसकी एक स्टेटस होती थी है ठीक है तो जो भी पॉपुलेशन में प्रोपोर्शनेट जो कास्ट ज़्यादा होगी वो डोमिनेंट कास्ट है तो उसकी सिक्स मार्क्स हो गए ठीक है सिक्स स्कोर हो गए ऑक्यूपेशन पर अगर हम जाएँ तो अनएम्प्लॉयड या नन है तो उसका ज़ीरो हो गया लेबरर वन कास्ट ऑक्यूपेशन अपनी ही कास्ट का कोई ऑक्यूपेशन जैसे कारपेंटर है तो वो कारपेंटर का ही काम कर रहा है ऐसा नहीं है कारपेंटर तो क्लर्क का काम कर रहा है तो वो कास्ट ऑक्यूपेशन में नहीं आएगा ठीक है बिज़नेस है इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है कल्टीवेशन है या सर्विस है ठीक है तो उसमें ये सर्विस कोई भी हो सकती है गवर्नमेंट प्राइवेट तो उसमें सर्विस कैटेगराइज देती है अब एजुकेशन एजुकेशन में आ, इलिटरेट अगर है तो ज़ीरो खाली पढ़ सकता है तो वन पढ़ और लिख सकता है तो टू प्राइमरी तक एजुकेशन है तो थ्री मिडिल है तो फोर हाँ स्कूल है तो आ, फाइव ग्रेजुएट एंड अबव है तो सिक्स देखो इलिटरेट इलिटरेट हम सात साल से ऊपर के बच्चे को ही बोलेंगे ठीक है इलिटरेट में लिटरेसी जो हम लेके चलते हैं लिटरेसी स्टेटस सेवन या उससे ऊपर के बच्चे के लेके चलते हैं तो सात साल से अगर छोटा बच्चा है तो उसमें उसको हम इलिटरेट नहीं कह सकते है लैंड नो लैंड अगर लेस देन वन एकड़ है वन टू तो फाइव एकड़ है फाइव टू तो टेन एकड़ है टेन टू तो फिफ्टीन तो फिफ्टीन ट्वेंटी तो और मोर देन ट्वेंटी तो, तो इसकी स्कोरिंग ऐसे है यहाँ पे सोशल पार्टिसिपेशन हेड ऑफ फैमिली का ठीक है कोई सोशल पार्टिसिपेशन नहीं किसी से कोई बोलचाल नहीं बिल्कुल अलग थलग है तो ज़ीरो हो गया मेंबर ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है लोकल लेवल पे गांव में अगर उसका मेंबर है तो वन हो गया एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो टू हो गया ऑफिस होल्डर इन सच ऑर्गेनाइजेशन है किसी पोजीशन पे है तो थ्री हो गया या वाइल्ड पब्लिक लीडर है ठीक है तो फोर नंबर हो गया अब फैमिली मेंबर्स अगर फाइव तक फैमिली मेंबर्स हैं तो स्कोर टू हो गया फाइव से ज़्यादा हैं तो स्कोर वन हो गया ठीक तो है तो फैमिली मेंबर जितने ज़्यादा हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उतना कम हो रहा है ना हाउस में नो हाउस ज़ीरो अगर हट है तो वन झोपड़ी है तो वन कच्चा हाउस है तो टू मिक्स हाउस है तो थ्री पक्का हाउस है तो फोर एंड मेंशन है तो फाइव फार्म पावर की अगर बात करें तो फार्म पावर में बेसिकली नो ड्रॉट एनिमल अगर नहीं है तो वन ड्रॉट एनिमल क्या होते हैं दीज आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल दैट आर यूज इन ड्रॉइंग हैवी लोड्स जैसे कि बुलक्स हो गए या हॉर्सेज हो गए खच्चर हो गया है ना तो ये डिफरेंट हो गए तो अगर वन से टू ड्रॉट एनिमल है तो टू स्कोर हो गया थ्री टू फोर है तो फोर हो गया फाइव टू सिक्स है तो सिक्स हो गया मटीरियल पोजिशन में क्या क्या है बुलक कार्ट है साइकिल है रेडियो है चेयर है मोबाइल फ़ोन है टेलीविज़न है रेफ्रिजरेटर है देखो इसमें इसमें मल्टीपल हम ले सकते हैं मान लो साइकिल भी और रेडियो भी है तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा ठीक है मोबाइल फ़ोन भी है तो चार और जोड़ दो तो इस तरह से इसमें हम ऐड करते चले जाते हैं है ना इसमें मल्टीपल हम स्कोरिंग कर सकते हैं मटीरियल पोजिशन में अब इसमें हम जितना भी टोटल स्कोर आता है उनको सबको जोड़ लेते हैं ऑन एड, करने के बाद अगर स्कोर हमारा फोर्टी थ्री से ज़्यादा है तो ग्रेड वन में आ गया थर्टी थ्री टू फोर्टी टू है तो टू में आ गया है ना तो इस तरह से स्कोरिंग करके हम इसकी ग्रेडिंग डिसाइड कर लेते हैं तो ये तीन मेजर मेजर स्केल्स थे जो हम बेसिकली यूज करते हैं मॉडिफाइड कोपूस्वामी पीजे प्रसाद और उदय पारेख ठीक है तो कंक्लूजन में क्या है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ क्रिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन द न्यूट्रिशन बिहेवियर एंड लाइफ सो इट इज एन इट इज़ कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ इंडिया में टू कॉमनली यूज सोशियो इकोनॉमिक स्केल मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं बीजे प्रसाद और कुप्पूस्वामी स्केल बी प्रसाद क्लासिफिकेशन बेसिकली फैमिली इनकम पे होती है और कुप्पू स्वामी कुप्पू स्वामी इसमें बीजे प्रसाद में हम सिर्फ इनकम लेके चलते हैं और कुपुस्वामी में हम इनकम के साथ एजुकेशन एंड ऑक्युपेशन भी लेके चलते हैं ठीक है बीजे प्रसाद में हम पर कैपिटा फैमिली इनकम लेके चलते हैं जबकि कुपुस्वामी में हम टोटल फैमिली इनकम लेके चलते हैं मॉडिफाइड बीजे प्रसाद

अपडेट करना पड़ता है रेगुलरली टाइम टू टाइम जो भी हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आती है दीज आर रेफरेंसेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग